पहले हमने क्या किया था, इधर से हमारे पास टूल्स थे, जिस तरह ये रैप टूल, ट्विल, पोकर, ब्लॉट, स्केलप, क्रिस्टल और रिंकल, इस तरह के टूल्स हमने कवर किए थे। तो इधर कोई चीज़ लोगो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, लोगो ड्रा कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है फिर ये अप्लाई करेंगे वन बाई वन, जिस तरह कोई सी भी चीज ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा, इसका आउटर कलर खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्या ड्रा करें, चलें कुछ इस तरह से। पेन टूल लिया, पहले ये लिप से ड्रा की है, और इस तरह भी कुछ भी के साथ ये भी कर लेते हैं, दो टूल्स कवर हो जाएंगे। कोई चीज आपने डिजाइन करनी हो जल्दी से तो वो कैसे करनी है, कोई लोगो बना देते हैं साथ में, ठीक है। पहले तो कलर चेंज करते हैं, कोई और कर लेते हैं। अच्छा, यही वाली सेम चीज उधर ले जाते हैं, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं उधर। ज्यादा ही नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा लेट करते हैं, अभी इसकी कॉपी कर लेते हैं। इनको सेंटर में कर लें, आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, ये वैसे ही भी आप लोगों की आगे प्रैक्टिस भी हो जाए, कोई चीज खुद से ड्रा करनी पड़ जाए। इस तरह, इसके बाद इसके ईयर जो है वो लगा लें, कान, थोड़ा सा वाइडर है ये, इसको आप स्मूथ कर सकते हैं बाद में कर लें या साथ ही कर लेते हैं, और फनी सी कोई चीज बन गई। अच्छा, इधर से कट करना है,
ठीक है, कॉपी कर लो बस। यहाँ पे कुछ ऐसे, अच्छा, और नीचे इसका नोज, कुछ भी आप करने डिजाइन लेंगे। ये हम छोटी सी वो कैट की होती है वो बना रहे हैं। किधर नीचे वाला पार्ट इसका, ये ले लेते हैं। ये इन दोनों को कंबाइन कर दें पाथ फाइंडर टूल से। किधर गया? कैसे भी, और फिर ले लें आप पेंसिल टूल ले लें या पेंसिल ड्रा कर लें कुछ इधर की, यहाँ पे होती है ऐसे। ऐसे। इधर जो भी आप यूज करना चाहें वो कैट का नहीं होता, वो बनाने पाथ फाइंडर टूल से कर लें आप, और विड्थ टूल से कर लें। विड्थ टूल ना ऐसे, ये इधर एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा? उस वजह से जो आपका है आर्ट बोर्ड का साइज बड़ा कर लें तो उधर ही एडजस्ट हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लें ऐसे। ठीक है, ऐसे सेम कॉपी यही उधर कर लें। रिफ्लेक्ट कुछ ऐसी सी बन गई। आगे इसकी जो होती है कैट के कान ही सही बने। ठीक है, वो दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, इसकी और क्या होती है? मानो बिल्ली जो होती है उसकी मूछें, वो आपने करनी है। पेंसिल ले लें, उससे ड्रा कर लें ऐसे ऐसे, और ऐसे रैंडम सी जैसे कि आप करना चाहें। इनको पिक कर लें और इनको भी स्ट्रोक दे दें, ऐसा भी आप कलर करना चाहें ऐसे। थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं इसको, इसी को कॉपी कर लेते हैं दूसरी साइड पे। ठीक हेलो। है, कुछ
जैसी भी ठीक वैसे है। शरीर का कलर थोड़ा सा ग्रे कर दें ताकि बाहर भी नजर आए। नहीं वो बाल से हम कट करेंगे, ठीक है। इसके ये नहीं सही बने, इसको दोबारा ड्रा करते हैं, ये ज्यादा ही जो है ना वो हो गए पास। इधर से स्टार्ट करें, थोड़े से बड़े बना लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले को डिलीट करते हैं। ऐसा तो होता है। ये वाला खत्म कर देते हैं, बाय वाला सेम यही कॉपी कर लेते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा व्हाइट एरिया भी ऐड कर लेते हैं इसी जगह पे, कुछ ऐसे। इनको कॉपी कर लें और दूसरी साइड से सेम यही वाला दे दें। और निंजा टाइप जो होती है, ठीक है। और कोई डिटेल ऐड करना चाहें इधर इसके हेड के ऊपर वो भी आप कर सकते हैं। वो वैसे करनी है आपने इधर से ही, एक थ्री वाली रेक्टेंगल लें, इसको रिवर्स कर दें ऐसे, इसको इधर सेंटर में कर दो, ये ऐसी थी। ठीक हो, कोई और डिटेल आप ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या इतने काफी है। ठीक है, अभी ये आपकी बन गई शेप। सर इसके ऊपर इस रेक्टेंगल की बजाय वो ऐसा शो करना जैसे बाल हो, वो लास्ट टाइम जो हमने टूल्स पढ़े थे ना उनकी उनसे ये कौन सा हो टूल? जाए। लास्ट टाइम सर पढ़ा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं वो कॉल इलस्ट्रेटर से आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी क्या हम करते हैं, अभी हमने करना है कि ये एक ही कलर में रहे। ये देखें नीचे जो है इसको एक और कलर लगा हुआ है, इसको भी खत्म करते हैं। और जो नीचे वाली एक रिक्टेंगल पड़ी है छोटी, ये वाली, ठीक है। इसको भी हम एक ही कलर, या इसका करें कि कोई बॉर्डर लगा लेते हैं इसको, इसको इस तरह के, ठीक है। इसी तरह इधर लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये वाला जो है इसको इधर कर लें थोड़ा सा नीचे, ठीक है। कुछ ऐसी थी, या इसको वही वाला कलर कर देंगे बाहर लगा हुआ ऐसे, और अभी इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है। ये ऊपर आ गया, इसको भी बाहर कर दें। अच्छा, ये ग्रुप था, इस वजह से ये ना अंदर वाली साइड पे भी लग गया होगा कलर, तो इसको पहले अनग्रुप कर लें और जो इनर साइड है उसका ये हम खत्म कर देते हैं।
रूम का कलर वाइट, ऐसे कुछ ऐसी चीज बन गई। ठीक है, इस तरह से इसको इधर करें साइड के ऊपर, ये इसकी देखें बाई निकली हुई है, जो किसी और कलर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये फिर उधर मसला करेगी। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं शेप बिल्डर टूल से, एक एक बार क्लिक करें, हमें इतनी चाहिए सिर्फ, तो ये भी सेंटर से खत्म कर दूं। अच्छा, वो क्योंकि ग्रुप का इसलिए वो खत्म नहीं होगा, पहले इसको अनग्रुप कर लें। हाँ, अभी जो है खत्म कर दें, व्हाइट कलर जो आपको अंदर नजर आ रहा है, ताकि बैकग्राउंड वाला कलर ठीक हो जाए, ऐसे ठीक हो गया। अभी इसको दोबारा जो है हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगा देते हैं। अभी बॉर्डर लगाएंगे तो क्या होगा, जो ये वाली साइड है इसके ऊपर भी लग जाएगा बॉर्डर जो अंदर आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसको पहले कंपाउंड इसका पाथ खत्म कर लें, इसके बाद अनग्रुप इस तरह। चलें वही वाइट रहने दें, इधर से ज्यादा काम लंबा हो जाएगा, बार बार सबको डिलीट करना पड़ेगा। इसको साइड पे कर लें और ये वाली जो है आप यूज कर सकते हैं, तो सेंटर में करें ऐसे। अभी आप इसके कान जो है ये चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन इधर हमने वो जो निंजा टाइप होती है उसके इस तरह के होते हैं, तो उसे ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अगर रोंडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं रोंडिट भी। अच्छा, अभी तो ये तो इसका पार्ट नहीं था हमारे इलेक्ट्रिक का, लेकिन हमने कोई चीज ड्रा कर ली ताकि सारे इफेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दें। इसकी 5-6 इफेक्ट्स हैं, इनको इधर करते हैं, उतनी कॉपीज कर लें 5-6 इसकी। चले हैं, सबसे ऊपर वाली के किधर भी ये रैप टूल है, इसके क्या इफेक्ट है, ये वैसे हम किसी भी सिंपल शेप पे भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ी सी और रफ सी ड्राइंग भी कर ली था, अगर कोई इस तरह की चीज बनानी पड़ जाए आपको तो वो भी आप साथ साथ देख लें। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक तो इनका आउटलाइन जो है वो पहले खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर डिस्टर्बेंस करेगा जब पाथ आउटलाइन स्लो खत्म किया है इसका। ठीक है, अच्छा अभी क्या है, फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर रैप टूल। ठीक है, यदि रैप टूल करेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, आपकी जो भी लोगो वगैरह बना हुआ है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से रैप टूल का इफेक्ट। ठीक है, आगे वाला देखें। अच्छा, ये आप लोगों को एक और चीज ये देखें, अभी पीछे इसके क्या नजर आ रहा है आपको, ये हमें नजर आ रही है इसकी, ये देखें लग पड़ा हुआ है ऐसे ना, लाइनिंग सी नजर आ रही है। चलिए ये टूल करने के बाद ये भी बताता हूँ कि इनको आपने पाथ फाइंडर टूल यूज करते हो एक कैसे बनाना, मतलब शेप एक ही इसकी करनी है तो वो कैसे करेंगे। अभी नेक्स्ट टूल हमारे पास ट्रेल टूल था, तो ये क्या करेगा देखें ऐसे। ठीक है, ऐसे जितनी देर आप प्रेस रखेंगे दोबारा करते हैं, ये आपके पास सिंपल लोगो था, आपकी शेप थी कोई सी भी, तो ये आप ट्रेल यूज करना चाह रहे हैं, जितनी देर आप इधर इसको रखेंगे ये खुद ही इस तरह ट्रेल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहां से करना चाह रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये देखें मतलब खुद ही इसने किया है ट्रेल टूल, ये आपको यूज करना पड़ेगा अपनी वर्किंग के दौरान। ठीक सर, सर आपने राइट क्लिक किया इसके ऊपर रख के? जी जी, राइट क्लिक, यही जो आपका सॉरी लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट सर, क्लिक। लेफ्ट क्लिक। ठीक
आगे देखें तो ये फोकस, इसको क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह के कट देगा ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर से करना चाहें आप, इधर देखने ऐसे और इधर से ऐसा, ठीक है। और जो भी आपकी शेप्स हैं उनको बिगाड़ने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए ये टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। आगे चलें तो हमारे पास है ब्लॉट, इसके इफेक्ट्स देखने ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्लॉट इधर के, चूंकि आगे ये कलर यूज हो रहा है इस वजह से इस तरह के कट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर टूल, ये आपने उधर भी देखा होगा ना बड़ी डिटेल से, ये क्या करेगा, ये भी डिस्टॉर्शन का ही है ऐसे, ऐसे इसके सर के ऊपर थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से बाल बना रहे हैं। ठीक है, स्कैलप को ठीक ठीक हो गया। ये अब आपकी पता नहीं क्या बन गई है, तो मुझे भी नहीं पता, बालों वाली बिल्ली बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें, अच्छा इसकी आपने चेंजिंग करना हो, ये देखें जिस तरह मुझे चेंज ऐसा लग रहा है बिल्ली ने पानी पीला होगा। कर बिल्कुल वैसे ही महंगी, जैसे वो सर्दियों में हो जाती है ना, उससे बाल जैसे पानी में नहा चाहिए, ठीक है। अच्छा इसकी सेटिंग, अच्छा इसकी सेटिंग देखना हो, ये डबल क्लिक करें आप किसी भी टूल की, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आठ टूल की इसी तरह ऑप्शन आ जाएंगे। आप अभी आपके पास इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 100 100 है, एंगल 0 है, इंटेंसिटी 50 है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 1 है, इसको 2 करें लेवल को, ठीक है। और अभी इसके इफेक्ट देखें, अभी इस तरह के बना, अभी इसको अप्लाई करें तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो बढ़ गया, ये देखें अगर इसको जूम करके हम तो ये ज़्यादा है, जैसे कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जैसे भी आप करना चाहें, इधर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये देखें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है इसका बढ़ गया आपके टूल का। इसी तरह दूसरी ऑप्शन है इसमें, इसकी हाइट और वेट को कंट्रोल करना चाहें, जैसे हम करते हैं 30 और ये वाली भी 30, अभी इसके इफेक्ट देखें, ये तो इसका फैट जो है इसका इतना नहीं फर्क पड़ेगा, ये इधर ले कहते हैं, अभी अप्लाई करते हैं दोबारा ऐसे, ये आप ऑप्शन जो है सारी वन बाई वन चेक कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी हमने क्लास में बड़ी डिटेल से देखा था, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो आपके पास है क्रिस्टल, क्रिस्टल की वही सेटिंग उठा ली है इसमें, 50 50 30 30 वाली, इसको 100 पहले तो कर लें, इसको भी 100 कर लें, और इंटेंसिटी लेवल 50 है, ठीक है। इसको अगर अप्लाई करें तो कुछ ऐसे, नहीं इधर कर लेते, ठीक है ऐसे, ठीक है। और इसको इधर से भी कर लेते हैं, ठीक है, इधर से भी कर सर, लेते ये कौन सा टूल है? हैं। ये क्रिस्टल, क्रिस्टल टूल है, ये क्रिस्टल टूल, ठीक है। किसलिए इस्तेमाल होता है? यही जो भी कर रहे हैं हम आपकी चीजों को खराब करने के लिए, ठीक है। मतलब क्रिएटिविटी हम कैसे इसको यूज करते हैं? हाँ जी, ये इस तरह के इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे, ये तो अभी हमने एक कैट सी बनाने की जल्दी से ट्राई की थी, इस तरह की आपको जो नजर आ रही होती है किसी भी ड्राइंग के ऊपर, ये सपोज इधर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, यही शेप इसके ऊपर अप्लाई करें, ऐसे ऐसे इफेक्ट आपको नजर आएंगे, यस सर, ठीक हो गए, यस सर, ठीक है। इसको इधर से ऐसे इसके ऊपर कुछ राइट करना है या इधर को कर लें ऐसे, वो फनी टाइप की चीजें बननी चाहिए आपसे, या फिर ऐसे अगर सर्कल को
इसको आप देखें इसके ऊपर ये अप्लाई करें। ठीक है, ठीक और इस तरह की थी जिसका वो ओरल में था आपके बैनर के अंदर से ये सारे ऑप्शन निकल रहे थे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें तो इनको आप यूज करने के लिए तो खैर बड़ी जाली सी बन गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है इफेक्ट डालने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, इधर लास्ट वाला रह गया, अभी हमारी टैट तो सारी खराब हो गई है, लेकिन इधर एक पड़ी है सही वाली से भी खराब करते हैं। जी जी सर, जो एनिमेशन होती है उनमें पहले इलस्ट्रेटर में ये चीज बनानी पड़ती है, उसके बाद उसको एनिमेट करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जिस तरह यही आपकी कैट सी है, इसको एनिमेट कराना चले वो तो बाद में करते हैं डिस्कस। पहले इसको एक और कैट ले लेते हैं, लास्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है, इसको कॉपी कर लें, एक साइड पे कर दें ताकि नेक्स्ट अगर जरूरत पड़ जाए तो इधर से उठा लें। ठीक है, चले इसी को ले लेते हैं पूरी कोई, इसको इधर रखते हैं और इसको भी खराब करते हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला आपका रिंकल, ठीक है, ये ना इसका आपको जूम करना पड़ेगा फिर आपको नजर आएगा ये रिंकल इफेक्ट। वो जिस तरह आपके शूज के ऊपर लास्ट टाइम भी जिस तरह एग्जाम्पल देखिए रिंकल से नजर आ रहे थे ऐसे, ठीक है, वो ब्रेड से छोटी छोटी उस तरह के इफेक्ट्स हैं ऐसे। ऐसे छोटे छोटे रिंकल से वेव्स। ठीक है, तो ये थे लास्ट वाले थे लेक्चर का। अभी हमने इसके ऊपर अप्लाई करके सारी को खराब किया कैट को। ठीक है, ऐसे तो ये थे सारे एवरेज टूल के नीचे ये रैप टूल ड्रिल कोकर ब्लॉट ये सारे कर वो लिक्विड इफेक्ट होते हैं ना जिस तरह के लिक्विड। इसी तरह टैक्स के ऊपर भी खैर आप कर सकते हैं, ये इसको भी साइड पे करते हैं, एक किसी आर्टबोर्ड की कॉपी कर लेते हैं, आर्टबोर्ड की कॉपी कर लें इधर से, इनको ऊपर कर दें जरूरत पड़ जाए। अच्छा, टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं डिस्कॉर्ड टूल इसको। अच्छा, टेक्स्ट के ऊपर और जल्दी से अप्लाई करते हैं यही वाला, अगर रैप टूल करें सॉरी। अच्छा, आउटलाइन में गाया कि पहले कन्वर्ट करें अगर आपने कोई इफेक्ट अप्लाई करना है। आउटलाइन में कैसे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ से, या इधर से भी आपको मिल जाएगा, इधर से मिलता है। ठीक है, आप फाइंड कर लेना, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी इसके ऊपर ये अप्लाई करें तो ऐसे ऐसे ऐसे। अभी इसकी दो तीन कॉपीज भी कर लेते हैं गा के सबके ऊपर हम देख लें इसके इफेक्ट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने ऊपर अप्लाई की है। अच्छा, ये इधर अप्लाई हो गया गाया इसके ऊपर, इसका कलर भी चेंज कर लें। अच्छा, नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करें ये वाला जो आपका टूल था ट्रेल टूल डी जो का ये। ठीक है, ऐसे ऐसे जिसको भी आप इस तरह करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है ना आपका आइसक्रीम उसकी तरह की होती है वो ड्रिपिंग जो हो रही होती है, या स्ट्रॉबेरी का लोगो आपने देखा हो उसकी ड्रिपिंग। ठीक है, ब्लड की उधर इस तरह की आप इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये तो चेंज ही हो गया ऐसे।
ब्लॉक तो कल ही खराब हो गया वो। चलो ठीक है, टैक्स भी आपको खैर इस तरह का मिल जाएगा, वो इस तरह का आपका नहीं था, जिस तरह कोई इवेंट का टैक्स होता है वो, इस तरह के आपको नजर आ रहे होते हैं, कुछ ने करी कोई कट लगा हो उधर, ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखें क्रिस्टल ऐसा, ठीक है एक रह गया लास्ट वाला रिंकल, रिंकल के इधर ट्राई करें। ये आप अपने ऊपर भी कर दें, ये टूल्स हैं डिस्कार्ड टूल्स, ये एंटी पैक्स कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। ठीक है ये आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है ये यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन आए तो पूछना, तो जल्दी से नेक्स्ट टूल जो है वो देख। अच्छा ये कोई इमेज कॉपी किया, ठीक है इसको पूरी विंडो पे कर लेते हैं, ऐसे ना कंफ्यूज करेगी, पूरी विंडो पे करके और बाकी जो है आप क्रॉप कर दें। अच्छा क्रॉप कैसे करनी है, कोई भी इमेज पिक्चर ये आपको ऊपर देखें तो उसको कैंसिल करें, ये क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जितना भी आपने एरिया सेलेक्ट करना है वो आप करके सपोज हमारा यहाँ तक विंडो है, इसको ड्रैग करके इधर कर दें, इसको इधर कर दें, और ये जो नीचे वाली है जितना भी आप एरिया रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अभी इसको अप्लाई करें तो इमेज आपका क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अभी ये वही साइज का है जिस साइज का आपका कैनवास आर्ट बोर्ड है, ठीक है ठीक है। अच्छा ओपेसिटी के काफ़ी सारे ऑप्शन थे, पहले डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करना है ये ऊपर आए तो आपके पास ओपेसिटी जो है आपको नज़र आ रही है, ठीक है इधर आए तो इसको कम या ज़्यादा करें और इसके ओपेसिटी के ऑप्शन देखें, ठीक है ऐसे। ये इस तरह के इमेजेस आपने देखे हैं जो बैकग्राउंड पे यूज़ होते हैं, वेब और मोबाइल के जो ग्राफिक्स हैं या कोई और फेसबुक की आपने पोस्टें देखी होंगी उधर भी यूज़ हो रहे होते हैं। ऊपर कोई टैक्स जिस तरह इधर हम राइट करते हैं ओपेसिटी, ठीक है टूल, ठीक है इसको सेंटर कर लें, अभी इसकी फुल करें 100%, ठीक है। तो ये सपोज इस कलर में आपका लिखा हुआ ओपेसिटी, ठीक है वाई भी आना, तो ये लिखा हुआ इस कलर में। अभी आप ये इमेज को बैकग्राउंड पे यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो ऐसे आपका जो है टेक्स्ट भी विजिबल हो और आप इमेज भी बैकग्राउंड पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप ओपेसिटी इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये इमेज के ऊपर डायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है तो इस तरह के अभी इसका आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें वो रेड वाइट, ठीक है येलो या जो सा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अभी ये इमेज के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया है, कोई भी इसके ऊपर लेयर नहीं लगाई हमने। इसी तरह इसकी कॉपी करते हैं, इसको नीचे ले जाएं, ठीक है तो इसको साइड पे करें, 100% रखते हैं इसकी ओपेसिटी, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं एक लेयर लगा लेते हैं, ये जिस साइज का आपका है इमेज और आर्ट बोर्ड उसी साइज की एक रिक्टेंगल लगा लें इसके ऊपर ऐसा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अच्छा अभी हम लेयर लगा रहे हैं तो लेयर जो है वो किसी भी कलर की आप लगा सकते हैं, जिस तरह अभी हम ब्लैक में चेंज करना चाह रहे हैं
तो इसकी कैपेसिटी चेंज करें लेयर की, इमेज के नहीं अब हम कर रहे हैं, जो लेयर लगाई है उसकी। ये जिस तरह ये सपोज हम ब्लैक कलर में यूज़ करना चाहें बैकग्राउंड के ऊपर यही वाला इमेज, ठीक है, और इसको ऊपर इसका वाइट कर दें कलर, ऐसे वो आपका इमेज भी बैकग्राउंड के ऊपर अटैच हो गया। और वेबसाइट आपको ओपन करें तो पीछे इस तरह के जो हेडर इमेजेस हैं उधर भी आपने देखा होगा, जो स्लाइडर चेयर है उधर भी आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ऊपर लेयर लगाने का क्या फ़ायदा हुआ कि लेयर लगा के आप किसी भी कलर में ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ब्लैक कलर की लेयर लगाई है, तो ब्लैक के अंदर शेड अगर सपोज इसको कोई और कलर येलो करें, इधर से ओपेसिटी कम या ज़्यादा करें इसकी, ऐसे अभी ये येलो कलर की लेयर आ गई है, इस तरह का इमेज यूज़ करना चाहें या कोई और कलर ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन, ठीक है, ये वाला, इसकी अभी ओपेसिटी आप ज़्यादा करें, ये ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर इमेज वही है आपका, इसको आप कम या ज़्यादा करें, देखें अभी शेड्स आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने डायरेक्टली अप्लाई की, अभी कलर करके जो है किसी भी शेड के अंदर अप्लाई की। इसी तरह आपने ग्रेडियंट के अंदर अप्लाई करना है तो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट के लिए क्या करना है, हम ग्रेडियंट कलर में जाएं, उधर सपोज ये हम जो हमारा बाई डिफॉल्ट है ब्लैक और वाइट, इसमें करना चाह रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है, तो इस तरह की भी अप्लाई कर सकते हैं। या कोई और कलर चेंज करना चाहें इधर से, वो आपको पता है कैसे चेंज करना है, इसकी कोई एंगल चेंज करना चाहें ऐसे या नीचे से ऊपर करना चाहें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट करना चाहें या इधर से करना चाहें ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ तक लेके आए, तो इस तरह आप ग्रेडियंट में भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट में कलर्स चेंज कर लें, ठीक है, जैसे ये वाला कलर, ठीक है, दूसरे वाला भी कर लें चेंज, ये ऐसे, ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट के अंदर भी, इसका जो है ऐसे कर दें, ठीक है। अभी इसको कम, अभी फुल डार्क करें तो ये वाले कलर हैं ग्रेडियंट के, ठीक है। अपेसिटी हमने कंट्रोल की तो कुछ ऐसे से इफेक्ट आएंगे, ठीक है, हमारा बैकग्राउंड के ऊपर कलर भी यूज़ हो गया और हम अपना टेक्स्ट भी ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी की एक और कॉपी कर लेते हैं आर्टबोर्ड की नीचे, और इसकी ट्रांसपेरेंसी के जो इफेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अभी इसको साइड पे कर लें टेक्स्ट को, ठीक है, और अभी इसको रखें एक कलर का या डार्क रख लें तो यही रख लें, कोई इशू नहीं, यही वाला आपका है ग्रेडियंट, इसको करना चाहें यूज़ तो कर सकते हैं। अच्छा, आप अभी जाएं ट्रांसपेरेंसी हो किधर पड़ी हुई है, सॉरी, अच्छा अगर इधर नहीं है तो इधर से फाइंड कर लें, आपकी ट्रांसपेरेंसी आपको मिल जाएगी, ये लिखी हुई है ट्रांसपेरेंसी टूल, कंट्रोल शिफ्ट F10, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको अप्लाई करना चाहिए। अभी ये क्या है नॉर्मल में, अच्छा ओपेसिटी इधर से भी आपको नज़र आ रही है ये ऊपर, और सेम वही ऑप्शन इधर भी है, ठीक है, ओपेसिटी ये देखें इधर से भी वही है, ठीक है, इधर से भी आपको नज़र आ रही है। अभी नॉर्मल में ये ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन वन बाई वन काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डार्कन, मल्टीपल, लाइट, कौन सा डार्क करते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसी रियल जो आपकी इमेज थी वो उसके साथ कंपेयर करें, तो ये देखें आपको जो इमेजेस हैं इस तरह के आपने इफेक्ट्स देने हैं, ठीक है, वो आपको आपने बहुत सारे ऐसे इमेज देखे होंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत इसकी पिक्चर ही टचिंग की है, जिस तरह फोटोशॉप में करते हैं, तो ये सिंपल आप इधर से भी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी में, ये डार्क मल्टीपल, ठीक है, चलें इसको भी इधर ही रखते हैं जाके, इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक, यहाँ पे
ठीक है, अभी इसको करें कलर बर्न करेंगे तो ये ऐसा इफेक्ट होगा, लाइट करेंगे तो ऐसे, ये खुद ही जो है सारे इफेक्ट अप्लाई होंगे। स्क्रीन ठीक है, कलर डॉज ठीक है, ये अभी देखें कि आपका रियल वाले से बेहतर ये हो गया। इसके ऊपर इफेक्ट जितना फिल्टर अप्लाई हो गया ठीक है, ओवरले कुछ ऐसा, और फिर सॉफ्ट सेंटर में रहने दें ठीक है, इसी तरह। और तो ये ट्रांसपेरेंसी के बेसिकली, तो इसको ट्रांसपेरेंसी कह देते हैं, कंफ्यूज नाउ ट्रांसपेरेंसी ठीक है, थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, बाहर चला गया ठीक है। नेक्स्ट देखें तो डिफरेंस ऐसे एक्सक्लूजन, फिर ह्यू वही कलर मिक्सिंग वाले जो ऑप्शन है जिस तरह उसी तरह ह्यू और सैचुरेशन जो आ रही थी आपकी ठीक है ऐसे। फिर नेक्स्ट जाए सैचुरेशन, ह्यू और सैचुरेशन दोनों ऐसे दी हुई है ठीक है। फिर कलर ऐसे ये ठीक है, ये हो रहा ठीक है ह्यू ठीक है। तो वो आपका रियल इमेज जो था उसको भी इधर ले आते हैं साइड पे, इसकी कैपेसिटी 100 ऐसे। तो अभी देखेंगे आपने इफेक्ट्स डिफरेंट अप्लाई किए हैं तो काफ़ी कुछ इसका चेंज हो गया, ये फ्लावर कलर बैकग्राउंड सब कुछ जो है डिफरेंट इफेक्ट्स आ गए इसके ऊपर ठीक है। और इसमें देखें ओपेसिटी का है, मेक मास्क इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ठीक है, मेक मास्क करेंगे तो ब्लीज और मेक मास्क और क्लिपिंग मास्क की तरह ठीक है ऐसे, लेकिन इसको रहने में अच्छा। और इसमें है बस यही यूज़ होंगे आपके ट्रांसपेरेंसी के टूल्स, ये वाले डिफरेंट इफेक्ट दे रहे हैं और आपका ओपेसिटी ठीक है। तो ये था ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी का, ये आप ट्राई कर सकते हैं, जो जिस तरह का भी आपको इफेक्ट चाहिए हो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। और अच्छा एक और चीज़ रहेगी टेक्स्ट के ऊपर, आप टेक्स्ट वाला तो हमने देख लिया, इसी तरह टेक्स्ट के ऊपर है सपोज यही वाला, किसी भी ऑब्जेक्ट शेप पिक्चर किसी चीज़ के ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये ओपेसिटी है, इसका कलर कर लें कोई डार्क पर्पल, ये पर्पल कर लेते हैं, आप ओपेसिटी यूज़ करना चाहें तो वैसे ही ये ठीक है, आपका कलर जो है वो लाइट हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर शेप पे पिक्चर पे इमेज पे जो भी होगा आप वो ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से भी ये देख 65 इधर भी 65 दोनों सेम है जहाँ से मर्जी करना ठीक है, ये ऐसे ठीक है। इसको भी इधर लें अपने ओरिजिनल इमेज के ऊपर, इसको वाइट करें ऐसे, वाटर मार्क जिस तरह लगा होता है वो भी ऐसे ही ओपेसिटी कम ज़्यादा की होती है ऐसे, तो सेंटर कर दें ठीक है, सेंटर कर दें ठीक, ये कुछ ऐसे। ये अभी देखें तो आपको नीचे से जो बैकग्राउंड है वो भी नज़र आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर ओपेसिटी अप्लाई हुई है, बैकग्राउंड भी कलर पिक हो गया ठीक है। अच्छा और कैसे हो सकते हैं यूज़, जिस तरह अभी एक तो आपने यही बैकग्राउंड आपका और इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट से भी बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है, ये देखें इधर से एक फ्लावर इसके अंदर से नज़र आ रहा है। दूसरा भी इसका कुछ आपने ऐसे देखा होगा कि इसके ऊपर सपोज एक शेप लगी हुई है, कोई सी भी शेप ले लें ये वाले ऐसे, और इसको करें ऐसे, या फिर ये वाला करना
इसको शेप के सेंटर में कर लें। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा करें, कम करें ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी ये लेयर भी लगी है इसके ऊपर, यही वाला आप अपना टेक्स्ट प्लेस करें इसके ऊपर। ये अभी डार्क में होगा आपका, इसी कलर में कर लें। ठीक है, अभी कुछ इस तरह अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं आप। इसके सिंपल ये इसके सेंटर में कर देंगे और ये भी वर्टिकल पे कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप करना चाहें या कोई सर्कल रखना चाहें। अभी आपका पेस्टी अप्लाई हुई है ऊपर वाले के जो आपकी शेप है उसके ऊपर। ठीक है, या इसको सपोज करें आप यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाह रहे, इसको ख़त्म करें, पिक्चर के इस एरिया में अब यूज़ करना चाह रहे हैं इसे, इसकी ऐसे हेडिंग देना चाह रहे हैं आप। ठीक है, भी आपके काफ़ी सारे काम हो गए, इसमें टेक्स्ट भी लिखा गया है, ऊपर जो ले लगाई है उसका भी कलर चेंज हो गया है। ठीक है, नीचे से बैकग्राउंड भी आपको नज़र आ रहा है और टेक्स्ट भी आपका लिखा गया। ठीक है, इस तरह के आप इफेक्ट देना चाहें और लेयर ऊपर रख के कोई करना चाहें और बैकग्राउंड से इमेज भी शो करना चाहें तो वो कुछ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या है, और इसमें कुछ नहीं है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं आप। किसी भी शेप जैसी भी आपने ड्रा की हुई है उसके ऊपर पेस्टी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन सिक्स सिक्स जो है, ठीक है, इनकी कैपेसिटी काम कर दें या ऊपर वाली जो अप्लाई है वो ही उठा लें। अच्छा, फिर कीबोर्ड जो है वो हो जाता है उर्दू। कुछ ऐसे इफेक्ट्स और कुछ चाहिए वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल ब्लैक कर लें इसको और पेस्टी जो है वो 100 ही है। ठीक है, बैकग्राउंड वाला कलर दे देते हैं क्योंकि पेस्टी अप्लाई है, इसलिए आपको जो है कलर शेड भी डिफरेंट नज़र आ सकती है, उससे आपने परेशान नहीं होना, कलर यही रहने देते हैं। चलो, तो ये था पेस्टी टूल्स और फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी के डिफरेंट इफेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो क्या है, किसी भी
पिक्चर शेप या जो सभी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई लोगो है कोई, उसको आप शेडो देना चाहें जिस तरह 3D लुक में। इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, बोल्ड कोई ये वाला करना, इसका सेंटर भी कर लें, ए और डी सेम हो गया, कोई और यूज करते हैं। ये सपोज आपका टेक्स है सिंपल, उसको ड्रॉप शेडो करना चाह रहे हैं, अभी देखें इसको ड्रॉप शेडो करना है आपने, क्या करेंगे आप सिंपल क्लिक करें, इफेक्ट में जाएं और ये स्टाइल, ठीक है स्टाइलाइज, और ये ड्रॉप शेडो लिखा हुआ है, ड्रॉप शेडो पर क्लिक करें तो इधर आपके पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगी, पॉपअप विंडो। इसमें क्या है मोड, इसका मल्टीपल ही है, स्क्रीन है, ओवरले है, सॉफ्ट है, कौन सा रखना है, अभी हम मल्टीपल पे रहते हैं, ठीक है ड्रॉप शेडो, ठीक है। दोबारा सप्लाई करते हैं, ये कोई भी टेक्स्ट लिखा है, इफेक्ट स्टाइल और फिर ये ड्रॉप शेडो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है ओपेसिटी, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट और फिर ब्लर। सबसे पहले तो ओपेसिटी, सर ये शेडो हमेशा राइट साइड में ही आता है, इसको लेफ्ट में कैसे कर सकते हैं? अच्छा बताता हूँ। अच्छा ओपेसिटी सबसे पहले वही जो भी हमने देखी है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करनी हो आपने, ठीक है। वो पीछे किसकी होगी सबसे पहले, तो शेडो देखते हैं, आपको शेडो नज़र आ रहा है वो पीछे बैकग्राउंड पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाई करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये एक्स और वाई ऑफसेट्स हैं, ठीक है। ये एक्स जो है हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट से राइट आपका, और राइट से लेफ्ट मूव करेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट से राइट, नेगेटिव वैल्यूज राइट से लेफ्ट, अभी पॉजिटिव है तो लेफ्ट से राइट है, ठीक है, जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहें। अच्छा ये कलर डार्क है तो शेडो भी डार्क है, चलें बाद में चेंज कर लेते हैं इसको। अच्छा इसी तरह वाई ऑफसेट है, ये ऊपर से नीचे है, ये आपको शेडो भी मूव कर रहा है, जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें ऐसे, ठीक है आप कर सकते हैं। अच्छा फिर इसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी शेडो की है, मतलब आपका कलर आप उसको डेंसिटी जो है वो क्या रखनी है, चेंज भी हो रहा है आप देख सकते हैं। ये ओपेसिटी 100 रखेंगे तो ज़्यादा डार्क होगा ये ऐसे, और कम करें ज़्यादा करें तो ऐसे, ठीक है। जितनी भी आपको सही लगे वो आप रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, 75 रख लेते हैं वैसे। अभी ब्लर क्या है, ब्लर है अभी इसका कलर देखें कि आपको कुछ ऐसा ओपेसिटी और ब्लर में डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। अभी ब्लर इसका 0 करते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है ठीक है। अभी देखें ओपेसिटी की वैल्यू भी चेंज करते हैं, ठीक है ये आप चेक कर सकते हैं, ब्लर अभी नहीं है, ज़रा भी ब्लर नहीं है, 0 वैल्यू है तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट नज़र आएगा। शेडो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और इधर से भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ब्लर की वैल्यू 0 और आपको बिल्कुल शेडो जो है ऐसा लग रहा है जैसे डबल कलर किया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्लर करें और सॉरी इसको नहीं, इसको ब्लर करेंगे तो ये देखें आपको ब्लर इफेक्ट भी नज़र आ जाएगा, ठीक है ऐसे। इसको कम ही कर दें, 2 पे रख लेते हैं। अच्छा ये हो गया शेडो, उसके बाद अभी शेडो जो है कौन से कलर में, ब्लैक में, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जो सा भी आपको चाहिए, इसको रेड शेड में चाहिए, यहाँ से कोई शेड चाहिए रेड में भी आप ऐसे कर सकते हैं, किसी और में करना हो बाद में वो भी आप कर सकते हैं। ये ग्रीनिश है तो लाइट ग्रीन में करना चाहें लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसको ब्लैक ही रहने दें, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो गया डार्कन डार्क कलर, ये कलर का ही है, हम कलर पे रहते हैं इसके, कलर्स डार्कनेस की तरफ नहीं जा रहे, कलर्स वाला शेडो जो है वो अप्लाई कर, इसको ओके करें तो अभी सर इसका 3D इफेक्ट भी हम शेडो से शो कर सकते हैं ना? नहीं। अच्छा ये अभी शेडो है इसका, ये आप देख भी सकते हैं। अच्छा कोई और ये पूछा आपने कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट करना है वो कैसे करना है,
वो भी देख लेते हैं। इसका पहले तो शेडो पहले अप्लाई है वो ख़त्म करना है आपने। इधर ही आ जाए आप तो नज़र आ जाएगा अपेरेंस में आए तो ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट्स ये और ये ठीक है। इसके ऊपर शेडो भी अप्लाई है, शेडो को ख़त्म कर दें ठीक है। शेडो मतलब आपने आई जो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर एक बार क्लिक करें तो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा जो भी अप्लाई है पहले। अभी कोई शेडो नहीं है इसके ऊपर ठीक है। इसका कलर चेंज करें तो अभी इधर शेडो अप्लाई करते हैं दूसरी डायरेक्शन में। वैसे होता है इधर से ही आपको नज़र आएगा ज़्यादा लेफ्ट से राइट ठीक है। दोबारा जाए इफेक्ट में डार्क शेडो ये क्या कह रहा है इफेक्ट अच्छा ठीक है। वो कह रहा है कि पहले भी आपने इधर अप्लाई किया हुआ है उस वजह से ये इशू कर रहा है ठीक है। ये पहले वाला आ गया, पहला वर्जन मैं खत्म किया। अभी जाते हैं दोबारा पैक अच्छा ये पहले अप्लाई है हमने डिलीट किया है तो इस वजह से नहीं करने दे रहा। इसको करते हैं ख़त्म डिलीट क्योंकि वो सिर्फ हमने हाइड किया डिलीट नहीं किया इसलिए वो हमें अप्लाई नहीं करने दे रहा कि पहले इफेक्ट लगा हुआ उसको आप एडिट करें। अभी अप्लाई करते हैं दोबारा से। तो अभी आपके पास ओपन हो गई है विंडो, शेडो ब्लैक कलर में नीचे आपको नज़र भी आ रहा है ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं ताकि सर को क्लियर नज़र आए ठीक है। अभी जाए यहाँ पे पैक में स्टाइल डार्क शेडो ठीक है। ये है लेफ्ट से राइट, इसको माइनस में नेगेटिव में वैल्यूज दें तो ये रिवर्स हो जाएगा। मैं पहले 8 था प्लस 8 अभी -8 हो गया तो ये रिवर्स हो गया। ये 5 है इसको -5 कर दें 3 4 5 ठीक है। तो ये भी ऊपर चला गया, पहले नीचे था अभी ऊपर हो गया ठीक है। बाकी चीज़ें इसकी वही कलर आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है। कलर आप चेंज करना चाहें कलर कर सकते हैं ठीक है। तो इसको ओके करें तो अभी ये आपका जो आप शेडो अप्लाई हो सर गया। स्क्रीन स्टक है, दोबारा कर दें। हो गई है शेयर? यस सर हो गई है। अच्छा ड्रॉप शेडो का था, अभी हमने देखा पहले लेफ्ट से राइट था तो आपने कहा रिवर्स कैसे करना है। तो नेगेटिव में माइनस में वैल्यूज दे दें तो वो रिवर्स हो जाता है ठीक है। इधर आपको पेरेंट्स में मिल जाएगा जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया उसको एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं ये ठीक है। या डिलीट करना चाहें हम डिलीट करके दोबारा से देख लेते हैं इफेक्ट ड्रॉप शेडो। अभी ये देखें पहले हमने वैल्यूज दी थी लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो अभी क्या किया माइनस में दे दिए वैल्यू, वैसे चेंज कर दिए नीचे को। जितनी भी आप करेंगे आपका शेडो भी चेंज हो जाएगा, पहले +8 था अभी -8 हो गया ठीक है। तो ये रिवर्स हो गया, पहले इधर को है अब इधर को हो गया ठीक है। बाकी कलर और बाकी चीज़ें सारी वही हैं, कलर चेंज करना वो भी वही है। इसी तरह किसी शेप को आप देना चाहें, सपोज सिंपल एक सर्कल है ये वाला ठीक है, इसके ऊपर शेडो अप्लाई करना चाहें तो इफेक्ट स्टाइल जो शेडो वही वैल्यू जो पहले आपने सेट की है वही पिक कर ली है, लेकिन हमने दूसरी साइड पे जाना है लेफ्ट टू राइट तो इधर से चेंज कर लें जितनी भी आप रखना चाहें वैल्यू यहाँ पे काफ़ी है। ब्लर इसका ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं ठीक है। या 1 2 2 कर ठीक है। तो ये था बाकी इसके ऑप्शंस, अभी नहीं हम अप्लाई कर रहे सिर्फ मल्टीपल वाला ही जो है वो कर लेते ठीक है।
ये आपका और ये शेडो इसी तरह इमेज के लिए है, इसी तरह किसी और शेप के लिए है, तो आप वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर करना चाहें शेडो, उधर जाए इफेक्ट में स्टाइल डार्क शेडो, वही वाला शेडो इधर भी अप्लाई होगा आपका ऐसे। ठीक है, तो ये थे कि आपने शेडो जो है कैसे अप्लाई करना है, इसको रिवर्स करते हैं। अच्छा, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, पहले भी आपको पता है जो आपने अप्लाई किया हुआ इफेक्ट उसको बाद में एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे शेडो के ऑप्शंस, इसका आप कलर भी चेंज करें जो भी करें आपका शेडो उधर ही रहेगा। ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का भी आप चेंज कर लेंगे आपका शेडो उधर ही रहेगा। ठीक है, तो ये था डार्क शेडो का जो लास्ट टाइम ही हमने कवर किया था। अभी किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो पूछ लें। अच्छा, फिलिपिंग मास्क है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। पहले तो ये ऐसे है कि टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, किसी भी शेप के ऊपर भी हो सकती है। पहले तो आप इसको क्रॉप करना जो है बकर देख लें, क्रॉप कैसे करना, या जितनी आपकी है हार्ड बोर्ड का साइज वहाँ तक कर लें इसका क्रॉप। ठीक है, इसको अप्लाई कर दें, क्रॉप होगा थोड़ा सा ऊपर होगा, दोबारा कर लें। अप्लाई कर दें। ठीक है, आपने क्लिप करना है पहले तो एक इमेज के लिए कर, एक शेप के लिए कर लेते हैं। और ये पॉलीगॉन, इसका कलर कोई और कर लें, ये साथ इसकी कैसी भी देख लें अगर आप करना चाहें वो भी साथ साथ रिपीट हो जाए। ठीक है, ये आपने इमेज रखा है इधर, यही कलर ले लेते हैं जो ये यूज करें। अच्छा, इसको आपने क्लिप करना है किसी भी जगह से, इसको इधर से ये लड़की का फेस क्लिप करना है आपने, तो इसको आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कोई कि कितना एरिया सेलेक्ट है, तो आप कलर रिवर्स कर लें, मीन्स ये वाला ऊपर रख लें ऐसे। अभी इतना आप करना चाह रही हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें जिसमें इसका फेस आ जाए पूरा। दोनों को सिलेक्ट करें, आप ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली वन बाई वन शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लें। अभी हो गए आपके, तो क्या करेंगे आप, ये देखें प्रॉपर्टी विंडो ये वाली जो है राइट साइड पे, इधर भी आपको मिल रहा है मेक क्लिपिंग मास्क, या इधर भी मिल जाएगा ऑब्जेक्ट में, इधर ऑब्जेक्ट में आके नीचे क्लिपिंग मास्क और ये मेक। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल 7 आप प्रेस कर सकते हैं, ऐसे ये क्लिप हो गया। ठीक है, अभी आपने क्लिप कर लिया वो इमेज, इसको आप थोड़ा चेंज करना चाहें, इसका एरिया चेंज करना चाहें, एक मेथड तो ये है कि आप इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क करें। ठीक है, और फिर इसको एडजस्ट करें। अगर ऐसा नहीं करना तो आप सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये क्लिप ग्रुप इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अपना इमेज के ऊपर क्लिक करें जहाँ पर भी आपका इमेज था, और इसको एडजस्ट कर लें जहाँ पर भी आप करना चाहें ऐसे, इसको ये वाला आप करना चाह रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं।
अभी आपने ये फिनिश कर लिया, बैक चले जाएं सिंपल एक बार फिर, ये आपकी दोबारा से आप एडजस्टमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए है, मल्टीपल के लिए कैसे करना है वो भी ऐसे ही इसको कंट्रोल डी करते हैं, बैक जाते हैं हम और इसका जो है ओपन कर देते हैं, और अच्छा कलर भी वही कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी थोड़ी सी कम, ठीक है। मल्टीपल ले लेते हैं ऑब्जेक्ट्स, इधर से स्टार्ट कर लें इसको, यहाँ से ऐसे ऐसे, और इधर से थोड़ा सा अगर हो गया वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर अच्छा इसका कलर भी चेंज कर लें, ये करना है, ठीक है। इसका भी कर लें कोई और, इसको इधर कर लें। अच्छा इस तरह की चीज़ें जो है आपको नज़र आती हैं वो बताता हूँ, ये भी आप डिजाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, इसका कलर भी ऐसे ये हो गया। अभी इनके अंदर आप क्लिप करना चाह रहे हैं अपनी शेप को, तो ऊपर से थोड़ी सी रह गई है, सारी कंप्लीट नहीं हुई, या तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लें इसे इधर, या इसको इधर सेट कर लें। अभी इन एरियाज के अंदर आप क्लिप करना चाह रहे हैं, इन शेप्स के अंदर अपने इमेज को क्लिप करना चाह रहे हैं, वो आपने कैसे करना है, सबको सिलेक्ट कर लें वन बाय वन या ड्रैग करके। अभी ये देखें सारे आपके सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। इसको ग्रुप कर लें कंट्रोल जी से, तो ये कुछ ऐसे एक बन गया आपकी शेप, ठीक है। इसके अंदर आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या डायरेक्टली हमने देखा था, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, उसके लिए हमें पहले कंपाउंड पास करना है मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा डायरेक्टली करेंगे तो कुछ ऐसे इफेक्ट नजर आएंगे, दोनों को सबको सेलेक्ट किया और सिंपल कंट्रोल सेवन प्रेस करें तो ये देखें ब्लैंक, ठीक है, कोई भी आपको चीज़ नहीं नज़र आई सर, क्लिक तो हो गया लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या है, जो आपके पास शेप्स हैं जिनके अंदर आपने क्लिक करना है उनको एक बार कंपाउंड कर लें, इधर मिल जाएगा आपको कंपाउंड पाथ या कंट्रोल एट, या फिर इधर आके आप देख सकते हैं मेप, ठीक है। अभी ये पाथ आपका कंपाउंड हो गया, तो इनको करें सबको सिलेक्ट और क्लिप कर दें कंट्रोल सेवन, तो ये कुछ ऐसे ऊपर वाला क्यों नहीं नज़र आया, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो बाहर थी, या तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों, इसको यहाँ पे करते हैं लड़की को ऐसे, अभी सिलेक्ट करें इसको और क्लिप करें तो कुछ ऐसी शेप आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसे ठीक हो गया, अभी ये वही जो आपने सेलेक्ट करके दिया है उस शेप के अंदर आपका जो है आपको मिल गया। ये बैनर्स वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, ऐसे इमेजेस कॉर्नर पे शो हो रही होती हैं आपको, या इधर ठीक है ऊपर कोई ऐसे लिखा होता है इसके टेक्स्ट को भी वैसे ही कर सकते हैं। ओ बैक पे इसको करते हैं नीचे ऐसे, इधर आप कुछ कोई टेक्स्ट चेंज कर लें या फिर यही वाले कलर उठा देते हैं इधर से, ज़्यादा लाइट है, ठीक है, कोई सा भी उठा लें, इधर से चेंज करना चाह रहे हैं ठीक है। इनके ऊपर आप कुछ ऐसे टैक्स भी देखा होगा, ये ले आते हैं जो ऊपर पड़ा हुआ है हमारा टैक्स क्लिपिंग मास्क ऐसे, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्टाइल देना चाहें,
That is the company. ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इधर कुछ लिखना चाहे वर्टिकल इसको जैसे भी है, आप इधर इसकी स्टाइलिंग करनी है, बाद में किसी बैनर वगैरह के लिए यूज करना हो वो आप कर सकते हैं। क्लिकिंग क्लिकिंग ज़्यादा हो गया इसको क्रिएटिव कर देते हैं। ऐसे इसके ऊपर कुछ आपने राइट करना हो इधर वो भी आप कर सकते हैं। कुछ भी लिखना हो यहाँ पे यहाँ पर इधर इधर लड़की के ऊपर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, इस तरह के वो वेब के लिए कुछ आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, कोई और ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, कोई पिक्चर है या और टेक्स्ट है वो आप इधर ऐड कर लें। तो ऐसे इमेज यूज हुआ आपने देखा भी होगा तो वो भी आप कट सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको क्या है जो आपने ऑब्जेक्ट्स शेप्स कर लिए हैं उनको आप कर दें कोई आउटलाइन लगा लें तो कोई और भी कट आपके पास अच्छा बन जाएगा। कैसे आउटलाइन लगानी है, यही इनको सिलेक्ट करें, आउटलाइन ही लगी हुई पहले इसको आउटलाइन लगा लें कोई बड़े साइज की। ठीक है, इसको क्लिक करें और सॉरी अच्छा आउटलाइन नहीं लगी। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक अनग्रुप। ठीक है, ये क्या हो गया, अभी इसको करते हैं क्लिप ऐसे। तो ये भी आपके पास अगर इस तरह के इफेक्ट्स आप देना चाहें, इसका कलर चेंज करना चाहें ऐसे ऐसे डिफरेंट फेयर देना चाहें या कुछ भी करना चाहें वो आप तो कर सकते हैं। इसको कलर आप देना चाहें वही जो बैकग्राउंड है वो दे लें थोड़ा सा डार्क में ऐसे। ठीक है, तो ऐसे डिजाइनिंग में आप इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिपिंग मार्क्स का ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए ठीक हो गया। तो अभी आपने टेक्स्ट के लिए यूज़ करना है तो टेक्स्ट के लिए यूज़ कर लें आर्टबोर्ड की एक कॉपी ले लें, इसको साइड पे करते हैं, आर्टबोर्ड लें शिफ्ट ओ, इधर एक नया बना लें आर्टबोर्ड अपना जिसके ऊपर आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं। इधर लिखें क्लिपिंग मास्क ठीक है, इसको टेक्स्ट को बोल्ड कर लें थोड़ा सा लेते हैं। ठीक है, इसको इधर कर लें। इसके अंदर आप अपने इमेज को करना चाह रहे हैं, इमेज कोई वही वाला ले लें या कोई और ले लें, कॉपी कर लेते हैं इमेज कलर होल सा ले लेते हैं। ठीक
कॉपी। अच्छा तो इमेज लेके आते हैं इधर, ये वाला स्पोर्ट्स थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ड्रैग पे कर लें इसको, अपने इमेज को आपने इसके अंदर क्लिप करना है। तो कैसे करेंगे, एक तो इसका पहले टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। देखो इसके अंदर आपने इमेज को क्लिप करना है जहाँ पे भी, जितना एरिया करना चाहें वो इट्स अप टू यू। तो दोनों को आप सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करें और F7 कंट्रोल 7 करें, वही आपका जो इमेज है इसके अंदर आ गया क्लिप हो गए ऐसे। ठीक है आप कर सकते हैं सी और दोनों को सिलेक्ट करें और सिंपल क्लिप कर दें इसको। वो थोड़ा इधर ही वाला नजर नहीं आ रहा, ये वाला आ गया। ठीक है इसको डिलीट कर देते हैं। तो कैसे आपके इमेज के अंदर, एक मिनट को देर, तो आप इमेज करना चाहें अपने टेक्स्ट में तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा बाद में आपको टेक्स्ट चेंज भी करना पड़ गया वो भी आप कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट चेंज किया लेकिन आपका जो क्लिप है, क्लिपिंग किया हुआ वो ऐसे ना। ठीक है तो ये था कि आपने इमेज में कैसे करना है, पिक्चर में कैसे करना है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है तो ये था क्लिपिंग मास्क का। और मल्टीपल, पहले हमने एक इमेज के लिए, एक शेप के लिए देखा, फिर मल्टीपल और उसके बाद टेक्स्ट के लिए। ठीक है तो अभी यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, दूसरा इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, यही वाला कर देते हैं, ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। ठीक है तो ये आपका हो गया क्लिपिंग मास्क, वही आपका इमेज जो है इसके अंदर एडजस्ट हो गया जो आपका टेक्स्ट है जी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा वार टूल है इसके अंदर, इसके इधर जाएं इफेक्ट में तो यहाँ पे आपको मिलेगा वॉक, वॉक टूल इसके अंदर आर कार क्लो और ठीक है उसके बाद शेल फ्लैग वे फिश, काफ़ी इसमें ऑप्शंस हैं, उनको वन बाय वन जो है अप्लाई करते हैं किसी भी शेप के ऊपर। स्पोज एक ये वाली शेप ले लें, उसको कुछ कलर कर लें, ये नियम करेंगे न्यू कलर बनाते हैं क्योंकि ये हमने बहुत ज़्यादा यूज किया है। ठीक है ग्रेडियंट बनाते हैं, सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, शेप है, उसको हम यूज करेंगे वार्प टूल के ऑप्शंस इफेक्ट में, ये वार्प और ये सबसे पहले आर्क करेंगे तो आर्क जिस तरह आपके पास होती है आर्क बन जाएगी। ठीक है ये ज्योमेट्रिक शेप है। अच्छा इसके बाद बेंड आपने किस डायरेक्शन में करना है, उसका एंगल डिस्टॉर्शन हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ये आप इधर से ट्राई कर सकते हैं। अभी ये 42 है, उसको चेंज करें माइनस में, प्लस में लेके जाएं, प्लस 50 पे करें आप तो इसका इफेक्ट देखें ऐसे। ठीक है और ये जो आपको नज़र आ रही है एक साइड से थिक थिन डिफरेंट विड्थ, एक साइड से कम है एक से ज़्यादा है, तो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक है पहले ही अप्लाई है इसलिए दोबारा नहीं करने दे रहा, दोबारा जाते हैं वार आर्क। ठीक है इधर इसका ओरिजेंटल यहाँ पे ले आते हैं, 2 पे 0 पे करना, 0 पे वर्टिकल भी 0। अभी ओके करें तो ये देखें दोनों साइड से इसकी विड्थ इक्वल सेम हो गई है। ठीक है जरा इसको कम या ज़्यादा करेंगे
वो भी साथ ही चेंज हो जाएगी इसकी विड्थ और हाइट। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इसके जो कंट्रोल जी करते हैं, इधर हम डिफरेंट कलर करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो जो बारिश के बाद बनती है उसे क्या कहते हैं, रेनबो, रेनबो। अच्छा, आपके पास ये है, इस तरह की चीज है, डबल। अच्छा, ऐसे इनको आप सेवन कलर रहते हैं, सेवन कर दें। सेवन कॉपीज इनके कलर चेंज कर लें, यही वाले करें आप अगर पिक। ठीक है, फिर नीचे वाला ये है, उसके बाद नीचे वाला ये, फिर ये, उसके बाद ये, इसकी एक और कॉपी बनाए। ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, इसको डिलीट करें। अच्छा, अभी आपके पास ये है शेप, इधर आप आर्क जो है वो अप्लाई करें, तो देखें कुछ इस तरह की अगर आपने शेप्स बनानी है, उसे ग्रुप कर लें, इफेक्ट वॉल आर्क, तो ये आपके पास ऐसी कुछ चीज़। इसका एंगल आपने कम ज़्यादा करना हो, इससे भी ज़्यादा करना हो, वो आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसका छोटा बड़ा करना हो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंगल जो है वो आपने रिवर्स करना हो, ठीक है, वो कैसे करना है, इसकी एक कॉपी कर लें और कंट्रोल जी करें ओरिजिनल में, जो हमने ड्रा की है उसको इधर कर लेते हैं साइड पे। तो अभी इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई करें इफेक्ट वॉल आर्क, और इसको माइनस कर दें 65, माइनस 65 कर दें तो ये रिवर्स। ठीक है, ऐसे इसको कम ज़्यादा करना वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी ऊपर वाली और ये नीचे वाली, दोनों का कलर भी जो है वो भी रिवर्स हो गए, इसका रेड वाइट चला गया और ये इनर आउटर हो गए। ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, ये वही है जो हम पहले करते रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ लेफ्ट कलर है। ठीक है, उधर से करें, अभी ये सिर्फ कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसको हम उधर से ही एंगल ही जो है इसका चेंज कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट, और ये अपीयरेंस में -65 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस तरह, वो जो रेनबो इफेक्ट्स हैं इस तरह के उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी करके साइड पे करें इसे। एक और चीज़ है कि सपोज मैं इसी को लेके आता हूँ, इसको इधर ही रहने देते हैं, एक को यूज़ करते हैं, बड़ा कर लेते हैं ऐसे,
इसको इधर कर लेते हैं सेंटर में। ठीक है, और इसी तरह एक और आर्टबोर्ड ले लेते हैं इधर ही, करते हैं कॉपी। अच्छा, इसके ऊपर से आग जो आपने लगाई है उसको डिलीट कर दें। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। दूसरा कोई इफेक्ट अप्लाई करें, इफेक्ट आर्क। अच्छा, आर्क में ही अगर आप करना चाहें, सपोज आपने ये किया हुआ है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट चलेंगे तो सेकंड वाला जो आर्क लोग वाला, ये करेंगे तो इसके कट्स कुछ ऐसे आपको नजर आएंगे। इसी का एंगल जो है 65 है, इसको 50 करें। ठीक है, अभी ओके करें तो कुछ ऐसे कट। ठीक है, अगर आप इनको चाहें कि मैं इनको राउंडेड करना चाह रहा हूँ तो ये अप्लाई नहीं होंगे डायरेक्टली, ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर पॉर्ट्रेट राउंड करना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनस में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे प्लस 50 है, इसको माइनस 50 कर दें तो ये बिल्कुल ऐसे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी हमें चाहिए था, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, वन बाई वन सारे जो है वो हम क्विकली देख लेते हैं। अच्छा, इसी की एक और कॉपी करते हैं, इसके ऊपर सेकंड वाला अप्लाई करते हैं और क्लोवर कुछ ऐसे। अगर प्लस करेंगे वो आपने देख लिया, इसको प्लस कर लें ऐसे। अगर ये भी नहीं करना चाह रहे, इसके और ऑप्शन हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये भी आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, कुछ ऐसे। और इसी के ऊपर हॉरिजॉन्टल अप्लाई करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल करते हैं और ऐसे ओरिजेंटल है। नीचे की जाने जिसको रिवर्स करना हो वो दोबारा उधर ही जाते हैं। प्लस है तो माइनस 50 कर दें ये ऊपर वाला कुछ ऐसे, ये इफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले आए, उसके को कॉपी कर लें, जल्दी से देख लेते हैं उनको। नीचे आप आए, अच्छा वो कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें कोई और यूज करना पड़े। और अपर लोअर ये आपने भी देखा है पहले वाली, इस तरह थी ये जो ऊपर नजर आ रही है, और ये लोअर अपर जो है वो ऐसे नजर आ रही है अपर। ठीक है, इसको अप्लाई कर दें, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, और वर्टिकल करना है कैसे आपको नजर आएगी। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कैसे नजर आती है, ये हॉरिजॉन्टल करने का ऐसे नजर आएगी। ठीक है, तो थर्ड वाली है, इसमें इफेक्ट। ठीक है, इसको प्लस माइनस करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर वाली की तरह बन जाएगी इस तरह भी। ठीक है, इसी तरह आप लोग आए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ये सारे ऐसे हैं सिंपल सिंपल टूल। नेक्स्ट में आप आए तो इफेक्ट और ये बल्ज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये करना चाहें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप करें कम, ऐसे सर्कल में लेके आते हैं। ठीक
इसकी कॉपी कर लें एक और इसको करें वर्टिकल और से बन जाएगा। ठीक है एक और कॉपी करते हैं ये आपने कहा देख दिया माइनस इसको करें तो ये रिवर्स हो जाएगा ऐसे। ऐसे भी आप इसको यूज करना चाहेंगे सारे वन बाई वन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है आगे जाएं तो इसी की एक और कॉपी करते हैं ऊपर वाले आठ बोर्ड के इसको यहाँ पे रखते हैं एक और कॉपी कर लेते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट अप्लाई करें और ये शेल लोअर ऐसे। अब हम वर्टिकल का चेंज हो जाएगा इसको 50 है हॉरिजॉन्टली जाने में तो ये ऐसे कट। ठीक है तो ये कलर देख देख के ज़्यादा ही हो गया इसको चेंज भी कर लेते हैं कोई और कलर्स ले लेते हैं जैसे ये एक ही कलर ले लेते हैं तो चेंज करें इफेक्ट अप्लाई करें कोई और शेल अपर लोअर ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है इनको आप यूज कर सकते हैं इस तरह के टैक्स के लिए। ठीक है बाकी चलिए इसी भी कॉपी कर लेते हैं जल्दी से और इसको करें इफेक्ट या फ्लैग। फ्लैग में ये वही बैनर की तरह आपका बन जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी आप करना चाहें वर्टिकल करेंगे तो ऐसा बन जाएगा लेकिन हम इसको ओरिजेंटल ही रहने देते हैं फ्लैग ओरिजेंटल। ठीक है कुछ ऐसा सा बन जाएगा आपके पास इसी तरह इसी के एक और कॉपी कर लेते हैं ये वन बाई वन आप सारे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा इसकी एक और कॉपी कर लें इधर ही रखते हैं इसको ऐसे और फ्लैग वेव वेव का करेंगे तो वेव्स छोटी छोटी ये ऐसे आपको नज़र भी आ रही है। ठीक है ऐसी वेव्स बन गई हैं एक और कॉपी कर लें इसी की और फिश फिश का करेंगे तो वो जिस तरह आपकी फिश होती है उस शेप में कर दिया होगा इसमें। ठीक है वर्टिकल करेंगे तो कुछ ऐसे लेकिन हम हॉरिजॉन्टल ही करते हैं हॉरिजॉन्टल करते हैं और फिश हॉरिजॉन्टल। ठीक है तो जिस तरह ये फिश आपकी होती है उस तरह का उस एंगल पे ये सारे हो गए मूव। ठीक है इसी तरह आगे जाएं इसी की एक और कॉपी लेते हैं। ठीक है ये सिंपल से हैं इसलिए जल्दी से कह रहे हैं इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला है फिश राइज राइज में जाएँ तो वैसे आपका जो ऐसे बैनर सा बन गया। ठीक है ये साथ आ भी रहा है ये देखें स्मॉल शेप के साथ बनी हुई है इस तरह की आपकी शेप बनेगी ये राइज के साथ दे। ठीक है इसको आप देख लें फिर नेक्स्ट इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इफेक्ट और फिश आई करें इनको भी थोड़ा सा चलें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की वैल्यूज भी इंक्रीज कर लेते हैं 0-0 से ताकि इसका भी पता चल जाए। अच्छा ये चेंज करेंगे तो इसके एंगल भी चेंज हो जाएंगे इनको इसलिए मैं निकला कर रहा चेंज और फिश आई इसको इधर ले थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं 7-5 और ये 50 के रहने दें या चेंज करना जैसे भी आप ये ऐसी कट जो आप मुझे इस पर करते हैं कुछ इस तरह से बन गए। ठीक है कट भी आ गया थोड़ा सा इसी तरह इसकी कॉपी ले लें कॉपी ख़त्म हो गई सही बात इसकी कॉपी एक और ले लें
थोड़ा पहले तो फैक्ट लगा हुआ है, इसको कर लेना खत्म, डिलीट कर लेना, सिंपल हमें शेप मिल जाए। ठीक है, इफेक्ट और ये इन्फ्लेट करेंगे तो वैसे 0 0 कर देते हैं एंगल को 0 और इसको भी 0। ठीक है, इसको 50 कर लेंगे जितना भी ऐसी शेप, इसी की एक और कॉपी ऊपर ड्रा कर लेते हैं। इसका ख़त्म कर लें आप, इसके ऊपर अप्लाई करें न्यू वाला स्क्वीज, स्क्वीज करेंगे तो कुछ ऐसा एंगल चेंज कर लें, इसका तो ज़्यादा हो जाएगा स्क्वीज, ऐसे इसको छोटा बड़ा करना है या इसको अच्छा एक और चीज़ है इनमें कि आप इनको रोटेट करेंगे तो ये देखें कुछ ऐसे, ये सेम एज इट इज़ होना तो ऐसे ही चाहिए जैसे कि ये, तो आप भी उसी तरह रोटेट हो, लेकिन जब आप रोटेट करेंगे तो ऐसे ये चेंज हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ये सब के लिए है, एक शेप के लिए नहीं, सब के लिए है, किसी एक पे भी करेंगे तो कुछ ऐसे इफेक्ट रोटेट करने से आ जाएंगे। रोटेट करने पे सेम शेप नहीं रोटेट होगी बल्कि चेंज हो जाएंगे आपके एंगल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसी को ख़त्म करते हैं, डिलीट। अच्छा अब करेंगे तो आप ये सीधा ही होगा सेम। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट और स्क्वीज होगा, ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट वेव्स की तरह ही है ये भी, इसको आप ट्विस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा ऐसे, ये ट्विस्ट आपको नज़र भी आ रही है। तो ये था जो वार्प टूल है, इसके ऑप्शंस सारे वन बाय वन हमने देखे हैं, ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहें तो वो देखें, इफेक्ट आर्क, आर्क अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, इसको थोड़ा सा कम कर लें तो वो एंगल जो है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जैसे टेक्स्ट आप पाथ के ऊपर राइट कर रहे थे ये उससे मिलता जुलता ही, ये ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन ये देखें चेंज हो गया, इसको थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं इतनी सी। ठीक है, ये देखें ऐसे जिस तरह आर्क बन रही थी ये भी उसी तरह हो गए, ऐसे ही सारे हैं, आप जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वन बाई वन। ठीक है, ये देखें ओरिजिनल आपका नीचे शो हो रहा है और जो वो आपका इफेक्ट अप्लाई होने के बाद वो इधर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इनको एक और ऑप्शन चले, ठीक है वर्टिकल करें तो कुछ ऐसा, वो वर्टिकल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा उसी एंगल के ऊपर, एंगल थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये आपको इसका इफेक्ट भी नज़र आए सही से। ठीक है, ऐसे वो आपने रैप वॉक रैप में वॉक तो वर्टिकल इस तरह से आपकी अप्लाई होगी। ये इनको आप कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए भी और डिफरेंट शेप्स के लिए भी, सबको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तक अभी किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।